पूर्व मंत्री पीजी शर्मा का बड़ा बयान आया है, भाजपा के शासन में मजदूरों पर अत्याचार हो रहे हैं, मजदूरों को यातनाएं दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा अल्पमत की सरकार है, उसका जाना तय है, कांग्रेस की बहुमत की सरकार वापस आएगी और 22 सीटों पर हम जीतेंगे। भाजपा कांग्रेस के बागियों का बलिदान लेगी, जब चुनाव में उतरेंगे तो हार का सामना करना पड़ेगा। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। आज हिंदुस्तान चीन से आगे बढ़ गया है जो संक्रमण हुआ, और उन लोगों ने तो उसको उतार लिया, लेकिन यहाँ लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो स्थिति भयावह है। कब्रें खोद दी गई हैं और शमशान घाट में लकड़ियाँ भेज दी गई हैं एडवांस में, ये स्थिति भोपाल की है। तो ये कहाँ लोगों के साथ न्याय कर पाएंगे, ये सरकार फेल हो चुकी है। अमेरिका की बात करते हैं बार बार, 3.5 करोड़ लोगों ने वहाँ रजिस्टर करा लिया है, नाम जो बेरोजगार होंगे उनको सरकार मुआवजा दे रही, पैसा दे रही मंथली, ये सरकार भी देना केंद्र की और यहाँ की, हर एक जो आदमी अनएम्प्लॉयड हुआ है चाहे मजदूर हो उनको हर महीने उनके अकाउंट में पैसे डाले। बार बार राहुल गांधी कहना है 1 लाख करोड़ लगना है, इधर उधर की बात करते हैं और वो उनके अकाउंट में पैसा आ नहीं रहा है, और मजदूर लगातार पैदल चल रहा है, साइकिल चल रहा है, ऑटो चल रहा है, गाड़ी से चल रहा है, ट्रक से चल रहा है, बर्बादी हो चुकी है। ये आंकड़े हैं सब केवल, ये आज भी किसान लाइन में लगा है, नंबर आता नहीं, और उसका जो कमलनाथ जी ने 160 रुपये बोनस की ऑर्डर किए थे कि 1 अप्रैल से मिलेंगे, वो आज तक मिले नहीं हैं। बाकी मैंने कहा बीज खरगोन से फ़ोन आया था, मिर्ची और कपास के बीज नहीं मिल रहे हैं, बीज कहीं मिल नहीं रहे, प्रशासन ध्वस्त हो चुका है पूरी तरह से, कोई कहीं कंट्रोल नहीं है। और मैंने एक शब्द यूज़ किया था पहले कि संपट नहीं बढ़ रही सरकार क्या करें, इसलिए कभी कभी ये काम करते हैं कि जब डर लगे, एक गाना है तो डर लगे तो गाना गाओ, उन्होंने कहा कि 6 महीने की जांच होगी, और उसमें एक मंत्री वो भी है जो 6 महीने हमारे साथ थे मंत्री, तो किस तरह की जांच होगी क्या होगी, करो जांच जितनी करना है करो, लेकिन साथ में जनता को राहत दो, मजदूर को राहत दो, किसान को दो, और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं गुमटी वाले ठेले वाले सब्जी वाले इनको राहत दो, इनके जेब में 7,500 हर एक के अकाउंट में आ जाना चाहिए जैसा राहुल गांधी ने कहा है। वो जो दुकानदार हैं छोटे से छोटे व्यवसायी इनके अकाउंट में पैसा डालो, इनकी जितनी भी शासकीय जो वसूली होती है सब बंद कर दो, बिजली पानी रोड टैक्स ये टैक्स सब माफ कर दो आज की तारीख। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।